अच्छा चलते हैं। इतने दिनों बाद बहना के घर जाने को मिला है। अभी तो बहुत टाइम है ना वहाँ पहुँचने में। अरे अभी तो बहुत क्या, बहुत का बहुत टाइम है। तो गाड़ी तो इसे तेज चलाओ ना। नहीं नहीं इतनी स्पीड सही है। हाँ 20 की स्पीड से चला रहे हो, इतने धीरे। लो पहुँच गए तुम्हारी बहना के घर और मैं जा रहा हूँ अभी। बहना, ओ बहना कहाँ हो? अरे आ रही हूँ। पता नहीं कौन आ गया है। अरे यार, अरे आराध्या तुम कब आई? अरे दीदी जस्ट अभी आई हूँ। अरे आराध्या जस्ट होता है, जस्ट नहीं। अरे क्या करे, गांव में शादी हो गई है। अरे यार तुम अभी क्यों आई? क्यों क्या हुआ? अरे वो मुझे आराध्या पार्लर जाना था फेशियल कराने। हाँ पार्लर, ये कहाँ होता है? अरे वही जहाँ पे दुल्हने सजती हैं। अरे जहाँ पे फेशियल होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर होता है और बाल कटते हैं महिलाओं के, उसी जगह को पार्लर कहते हैं। अरे छोटी पार्लर पालम नहीं लगेगी पालम। अरे गांव में कहाँ पार्लर होते हैं इतने अच्छे? तुम्हारी शादी तो शहर में हो गई, मेरी शादी गांव में होगी। मुझे पता ही नहीं शहर में और क्या क्या होता है। और मेरे पास तो छूने वाला फोन भी नहीं है। अरे मेरी बहना उसे टच स्क्रीन बोलते हैं। और इन सब की बहुत वैरायटी भी होती है, जैसे आईफोन एंड्रॉइड एक्सेट्रा। बहन तुम्हारी शादी जब से शहर में हुई है ना, तब से तुम किटपिट किटपिट इंग्लिश बोलती हो। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है, इसलिए तो कहते हैं कि तुम भी थोड़ा सा पढ़ा करो, शहर में ये सब करना पड़ता है। हाँ मुझे भी सिखा दिया दीदी। अच्छा चलो मैं पार्लर जा रही हूँ। दीदी मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी देखना क्या क्या होता है। हाँ चलो ना। सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया है, लगता है मुझे अपना पार्लर बंद करना पड़ेगा। दीदी ये कहाँ मुझे ले आई? यही तो पार्लर होता है। गुड मॉर्निंग मैम, आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए? आप क्या कौन कौन सी सर्विसेज है? हेयर कटिंग, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड फेशियल एंड हेयर स्मूथनिंग आल्सो। ओके ओके। दीदी कहाँ कहाँ पूछ रही है उससे? फेशियल और स्ट्रेटनिंग का क्या चार्जेस है? मैम हम लोग के पास बहुत वैरायटी की फेशियल है, आप कौन सा लेना चाहेंगी? ओटी का है। यस मैम, बट उसकी कॉस्ट 5000 है। OMG, तो ऐसा करिए आप मेरा फ्रूट फेशियल कर दिए और हेयर स्ट्रेटनिंग कर दिए। मैम वो दूसरी वाली मैम भी सर्विस लेंगी, सुंदर बनाना तुम्हें भी। हाँ दीदी धीरे बोलो, ये पार्लर है मैम, ये भी कराएगी। ओके ओके, लेकिन पहले कौन आएगा? दीदी मैं पहले जाऊंगी। हे भगवान किसको ले आए हम, मेरी इंसल्ट करोगे रख देगी। मैम प्लीज धीरे बोलिए, जाओ जल्दी से। आइए मैम। हाँ बताओ क्या हुआ? क्या हुआ, मेरी तारीफ कर ली है? हाँ, पहली मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे नजर मत लगाना, पूरा गांव मेरे सुंदरता की तारीफ करता है। मैम मैं आपको मेरे पास आने के लिए नहीं बोली हूँ, उधर सीट पे बैठने के लिए बोली हूँ। ये छोटी और मेरी बेइज्जती कराओ के ही रहेगी। हाँ, बैठ जाती हूँ, बैठने में क्या हर्ज है? हम भी तो देखे फेशियल क्या होता है। Too much talking. She is very talkative. Yes, yes. ये क्या किटपिट किटपिट लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे जल्दी करो, हमें गांव वापस भी जाना है। ओके, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जाओ जाओ। तुम्हें पता है गांव में मुझसे सुंदर कोई बहू नहीं है। सुंदर नहीं बदसूरत। और हाँ मेरी सास कहती है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और मैं काम भी फटाफट कर लेती हूँ। और खाना तो ऐसा बनाती हूँ जैसे रेस्टोरेंट का। मैम मैंने आपसे हिस्ट्री नहीं पूछी है, अब आप आग बंद करिए और मूव।
बैठी ना। ओके मैम, क्या मैं बोल सकती हूँ? नहीं नहीं अभी नहीं, तुम्हें पता है गांव में सबसे अच्छी बातें मैं ही करती हूँ। और मैं न रहूँ तो गांव की पूरी रौनक ना रहे। पूरे गांव की रौनक मुझसे है। कितना बक बक करती है। अरे हो गया दीदी, अरे मुझे गांव भी वापस जाना है। तुम्हें पता है गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला परिवार हम लोग का है। मुखिया है मेरे पति और सोनी मोनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हर एक कहना मानती है मेरा। वैसे शहर भी अच्छा है। मैम अब आपका फेशियल होगा, आपका हेयर कट हो चुका है, तो अपने मुंह बंद रखिएगा। ये तो असंभव है। मैं बोलना छोड़ दूं तो लोग क्या सोचेंगे? मैम बस दो मिनट के लिए। अच्छा तुम कह रही हो तो कर लेती हूँ मुंह बंद आग बंद। पता नहीं क्या कह रही हूँ मुंह बंद आग बंद। कुछ दिन बाद कहेंगे कि अपनी सांसें ना बंद कर लो। अरे थप्पड़ क्यों मार रही है? मारू खा तुझे, हाथ उठाती है। तुम जानती नहीं है आराध्या को, मुखिया की बीवी हूँ। कास करा दूंगी तेरे ऊपर। ये कैसी मंजिल कस्टमर ला दी है दीदी। दीदी बताओ ये मार रही है, वरना मुझे अपना हाथ उठाना पड़ गया ना देसी घी वाला, तो ये बेहोश हो जाएगी। नो मैम ये फेशियल टिप्स है। मार मार के फेशियल टिप्स है। मैम काम जाओ। क्या काम धाम? काम धाम हम लोग का भी काम धाम है। अरे छोटी वो तो मैं बता रही है कि शांत हो जाओ। दीदी ये मार मार के मेरा मुंह लाल करती है और कह रही है फेशियल टिप्स है। हाँ छोटी ऐसे ही होता है। गांव में लोग फेशियल लगा लेते हैं तो इतने गोर हो जाते हैं, और तुम लोग पार्लर जाएंगे, फेशियल कराएंगे, ये कराएंगे, बस मुंह लाल कराने के अलावा कुछ आता नहीं है। बता शीशा कहाँ लगा है? मैं जा रही हूँ अपने को देखने। राइट साइड मैम। को अपने साथ लेके नहीं ले जाऊंगा अपनी बेइज्जती कराने। अच्छा रुको, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मैं बहुत घमंड करती थी, मेरे घमंड ने मुझे बदसूरत कर दिया। हे भगवान माफ कर दे। देखा आपने अराध्या के साथ क्या हुआ, वो अपने घमंड पर पछता रही है।
है, इसलिए हमें अपनी किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए।